22 जनवरी से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। योगी राज की बनाई भगवान राम की प्रतिमा अयोध्या पहुंच चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का सारा अनुष्ठान पूरा कराने की जिम्मेदारी अयोध्या और काशी के वैदिक आचार्यों के ही कंधों पर है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले मंत्रोच्चार के लिए 10-12 नहीं पूरे 121 पुजारियों की टीम होगी, लेकिन जहां तक मुख्य पुजारी की बात है वो जिम्मेदारी काशी के विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के हाथों में है। साथ ही लक्ष्मीकांत दीक्षित उन 5 लोगों में हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य गर्भ गृह में मौजूद होंगे। रामलला की प्रतिष्ठा कराने के लिए हमको विद्वानों ने नियुक्त किया, महात्माओं ने नियुक्त किया है, उसका निर्वाह हम कार्य करेंगे। इस पर लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे सुनील दीक्षित क्या बोले वो भी सुनिए। सुनील जी, ये दोहरी खुशी और गर्व का बात है। काशी के लिए गर्व की अनुभूति है। कहाँ आपके पूर्वज जो वंश परंपरा में थे उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया, राजतिलक कराया, और अब आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है, ये कितनी खुशी गर्व की बात। अत्यंत खुशी की बात है। सबके आराध्य, पूरे भारतवर्ष के आराध्य और प्रातः स्मरणीय हमारे प्रभु रामचंद्र जी का वहाँ पर विराजमान होना, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए परम आस्था का विषय है। और जिस चीज़ को लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था वो आज साकार होने जा रहा है। तो सबका मन से वो एकदम परिपूर्ण आह्लाद पूर्वक हम राम जी का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को निभाने के लिए तत्पर हैं। आइए आपको लक्ष्मीकांत दीक्षित के बारे में वो बातें बताते हैं जो कम ही लोग जानते हैं। जैसे वो मूल रूप से महाराष्ट्र के शोलापुर के जेऊर के रहने वाले हैं। उनके पूर्वजों में पंडित गागा भट्ट भी थे, वही गागा भट्ट जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी महाराज का अभिषेक वाराणसी के गागा भट्ट बहुत प्राचीन विद्वान उस काल में थे, उनको लोगों ने आहूत किया। गागा भट्ट जी ने जाके वहाँ का कार्य सब संपन्न कराया, शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक पर आसीन कराया। कई पीढ़ियों पहले उनका परिवार काशी में आकर रहने लगा था। काशी में ही लक्ष्मीकांत दीक्षित ने वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से ली थी। अब वे वाराणसी के मीरघाट के सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं। उनकी गिनती काशी में यजुर्वेद के अच्छे विद्वानों में होती है। हम लोगों की 11 पीढ़ियों का इतिहास अभी हम लोगों को मालूम है। उससे पूर्व की पीढ़ी का, जैसा कि पिताजी ने बताया, पिताजी के पूर्व के और जो लोग थे उन्होंने उनके वंशजों से सुना था कि गागा भट्ट की परंपरा में हम लोगों का संबंध आता है, और उसी संबंध का निर्वाह करके अब इसका संबंध जोड़ा जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक गागा भट्ट ने कराया। ये सभी को पता है कि काशी से गागा भट्ट गए थे और वो आप ही के पूर्वजों में हैं, वंश परंपरा में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है। आइए अब आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कैसे होने वाला है। आरंभ हो जाएंगे और मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि 5 दिन की है वो 18 तारीख से 22 तारीख तक की होगी और 22 तारीख की शाम तक सारी विधि पूर्ण हो जाएगी। क्रमवार अगर 16 से लेके चलें, पहले दिन आप सोचेंगे तो 18 तारीख को, 16 तारीख को पहले यजमान का प्रायश्चित होगा, जल यात्रा 17 तारीख को होगी, प्रभु राम की मूर्ति का भ्रमण होगा अयोध्या में प्रोटोकॉल के आधार पर जैसा निर्धारित किया जाएगा। 18 तारीख को मध्याह्न में प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कार्य संपन्न होगा। पूरे भारतवर्ष से विद्वान आएंगे, सभी वेदों के विद्वान आएंगे और उनको उनके कार्य के लिए निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के जो सामान्य विधियाँ हैं उसमें मूर्ति को जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, मध्वाधिवास, तमाम प्रकार के अधिवास और शय्याधिवास करके भगवान की मूर्ति में न्यास किए जाएंगे 21 तारीख को रात्रि में, और न्यास करके भगवान रामलला को शुभ मुहूर्त में 22 तारीख को लगभग 12 से 1 बजे के बीच जो शुभ मुहूर्त निश्चित किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।